गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास. सो दिस इज फिफ्थ वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 8. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की फिफ्थ वीडियो. इसमें बेटा पहले हम कुछ नोट्स लिखेंगे. मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस के टाइप समझाऊंगी और आप क्या करेंगे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, साथ साथ उसके एग्जाम्पल लिखेंगे. तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले आप अपना जो भी डेट होगा जिस दिन वीडियो जा रही है, डेट, उसमें चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट नोट्स करके टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में आप लिखेंगे. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन सबसे पहले. लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते हैं, यानी सिर्फ एक नहीं, दो आपको फ्रैक्शन दी होती है कहीं पर, तीन दी होती है, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो. ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे आपको ये दी हुई है, फोर फ्रैक्शन दी हुई है, दिख रहा है आपको, फोर फ्रैक्शन यहां पर दी हुई है और सबके डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर समझते हो ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर. ये आपको पहले भी बताया था फ्रैक्शन समझाते हुए. तो सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, फोर है. ठीक है, एक ही डिनोमिनेटर है, ये नहीं कहीं पर टू है, कहीं पर थ्री है, कहीं पर फोर है. न्यूमरेटर कोई भी हो, डिनोमिनेटर देखना है हमें. तो न्यूमरेटर जो है इन सब में वो सेम है, तो ये है लाइक फ्रैक्शन. यानी जब आपको चार पांच फ्रैक्शन दी हो और सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन. तो अब क्या लिखेंगे? लाइक ऐसे लिखोगे आप, लाइक फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर. ठीक है, अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन पे. अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो ये आपको तीन फ्रैक्शंस दी गई हैं, सबका डिनोमिनेटर अलग है, कहीं पर फोर है, कहीं पर टू है, कहीं पर थ्री है. तो इन सब में आपको तीन फ्रैक्शंस दी हुई हैं, सबका अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन. क्या है ये? अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. आप ऐसे लिखेंगे और उसके साथ एग्जाम्पल जरूर डालना है. ई डॉट जी का मतलब होता है एग्जाम्पल. नेक्स्ट लाइन में आप जहां पर भी आपकी डेफिनेशन खत्म होगी नेक्स्ट लाइन में डालेंगे ई डॉट जी एग्जाम्पल, और फिर ऐसे डालेंगे 1/4, 2/4, 6/4, जो आपका मन करे, 5/4, लाइक फ्रैक्शन में ऐसे. और अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल 3/2 डाल लो, 1/2 डाल लो, 2/3 डाल लो, 4/8 डाल लो, 1/6 डाल लो, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन पे. यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन में हम देखते हैं न्यूमरेटर को. किसको देखते हैं? न्यूमरेटर को. डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, यूनिट मतलब क्या होता है? एक. अगर मैं आपको बोलूं एक यूनिट, कहीं पर आपका आता है ना कि पेन की एक यूनिट है, ये पेंसिल की एक यूनिट है, यानी सिंगल. तो न्यूमरेटर जो है उसमें वन होना चाहिए, डिनोमिनेटर कोई भी हो. आपको चार पांच फ्रैक्शन दिए, सबके न्यूमरेटर क्या है? वन. तो ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन. क्या है ये? यूनिट फ्रैक्शन. तो क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज वन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ये आपको पूरा लिखना है. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज वन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, यानी जिसका न्यूमरेटर जो है वो वन हो, वो सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन. अब इसके साथ आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल डालना है. ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन में. देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम देखते हैं. न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए और डिनोमिनेटर हमारे पास होना चाहिए बिग, यानी न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर. तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का सही तरीका यही है. प्रॉपर मतलब सही, और फ्रैक्शन को लिखने का तरीका सही क्या है? ऊपर हो छोटी डिजिट और नीचे हो बड़ी डिजिट, ऊपर हो छोटी डिजिट नीचे हो बड़ी डिजिट, ऊपर हो छोटी डिजिट नीचे हो बड़ी डिजिट. तो ये सब जिसमें ऊपर छोटी और नीचे बड़ी डिजिट है ऊपर वाले से, वो सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी अगर न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर से कम है, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है बेटे, और इसके साथ आप डालेंगे एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल डालेंगे, ये या कोई भी अपनी मर्जी से, जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है. अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे. अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर जो था वो बड़ा था और डिनोमिनेटर जो था वो बड़ा था, सॉरी, और न्यूमरेटर छोटा था. और ये इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है, उल्टा न्यूमरेटर अब क्या हो गया? बिग हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? स्मॉल हो गया. तो ये क्या हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या हो गई? इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन, ठीक है बेटे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, इसकी भी आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर, अगर इक्वल है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा, यानी 2/2 इम्प्रॉपर है ये, ठीक है, ये फ्रैक्शन को लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, उसमें दो नहीं तीन डिजिट्स होती है, इनको पहचानना सबसे आसान है कि तीन डिजिट्स होंगी वो होंगी मिक्स फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, यानी एक होल नंबर ये पूरा और ये फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। तो आपका जो रिटर्न वर्क है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब हम यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन सर्कल द लाइक फ्रैक्शन, अब आपको लाइक फ्रैक्शन सर्कल करने हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कैसे सर्कल करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आपको सर्कल करना है सिर्फ लाइक फ्रैक्शन पे। लाइक फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने, जिनके डिनोमिनेटर सेम सेम हो, ठीक है, सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर दिखने वाले, या फिर आप अलग अलग शेप में कर लो, जैसे यहां पर 8 है डिनोमिनेटर में और किसी में है, हाँ इसमें भी है 8, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको कर लो ट्राइंगल, ये सेम है। अब देखते हैं बाकियों के, एक ये है जिसमें 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, अब ये हो गए ये। अब इसके अलावा कोई और दो या तीन फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, नहीं और कोई नहीं है, तो दो फ्रैक्शन थे दोनों को मैंने एक को ट्राइंगल कर लिया और एक को क्या कर लिया सर्कल, ऐसे आपको करना है। अब इसमें आपको क्लासिफाई करना है, देखो आपको पेयर दिया हुआ है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, इसमें से क्या क्लासिफाई करना है कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी है, अनलाइक कौन सी है और यूनिट कौन सी है, तो अभी आप खुद करेंगे। लाइक मतलब पता है ना, जिनके डिनोमिनेटर सेम है सबके, लाइक कौन सी है, अनलाइक यानी अलग अलग डिनोमिनेटर किसके पास है और यूनिट यानी ऊपर किसके 1-1 है, ठीक है, ये तीनों आपको, ये आपको बुक में, ये भी बुक में करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन, अब इसमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन निकालनी है, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको बतानी है, ठीक है। पहले आप एक क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, इसमें से, अब इसमें ऐसे नहीं करना है एबीसी के हिसाब से, इसमें पहले पूरा एक क्वेश्चन उठाना है, ठीक है, आपने ये पूरा उठाया, ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको यहां करके दिखाती हूँ, आपने पूरा क्वेश्चन उठाया 3/10, 16/13, 8/7, 5/1/2, 3/1/6, ये उठाया। अब आपको इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी दिख रही है, प्रॉपर यानी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, ये है और कौन सी है, ये है और कौन सी है, इसके साथ मेरे को तो दो ही दिख रही है, तो 3/10 आप ऐसे लिखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस इक्वल टू कौन सी है 3/10, ठीक है, कॉमा 8/7, और हमें दूसरी कौन सी बतानी है, इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर डालो यहां पर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपकी राइटिंग बेटा एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कौन कौन सी इम्प्रॉपर, 16/13 दिख रही है मुझे, बस एक ही दिख रही है, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड पे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन कौन सी है, 5/1/2, 3/1/6, ये हो गया, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से साफ साफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे कॉपी में, ठीक है, ये आप बुक में नहीं करेंगे, थर्ड क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट दीज गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, और इसमें आपको उल्टा करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, ये भी आपको सिखा देते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, ये है 80/7, ये आपको दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, यहीं पर मेन में ही करना है आपको, 7 लिखो यहां पर, या आप यहां साइड में करो, 7 लिखो यहां पर, लिखो 80, अब 7 की टेबल से इसको डिवाइड करो, ठीक है, 7 × 1 = 7, ठीक है, 1 पे जा रहा है, पहले एक डिजिट देखते हैं, 7 जा रहा है, यहां पर आ गया 10, अब भी जा रहा है, 7 × 1 = 7, अब यहां पे बच गया 3, तो आपको कैसे एरो लगाना है, ऐसे और फिर ऐसे, और लिखना भी कैसे है, फिर आपको यहां लिखना है, सबसे पहले आपने 11 पे एरो लगाया था, तो 11 आएगा सेंटर में, फिर 3 तो 3 आएगा ऊपर, फिर 7 7 आएगा नीचे, ऐसे लगाना है,
यानी 11 आएगा बीच में। आप इसको थोड़ा बीच में भी लिख सकते हैं ताकि आप इसके नीचे गलती से एरो ना सॉरी ये लाइन ना खींच दे। तो आप इसको आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसे लिखें, कैसे 11 यहां से बीच में ऊपर 3 और नीचे 7 ऐसे लिखो, ठीक है ऐसे लिखो। ऐसे आप यहां पर साइड में डिवाइड करेंगे, यहां तरीके से इसको ऐसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। एक और करके दिखाते हैं। अब यहां पर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एफ 54/25, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, नीचे वाला बाहर और ऊपर वाला अंदर, ठीक है। 25 होता है, 25 होते हैं, सॉरी 54 था, 50 होते हैं, तो 2 50 यहां पर आ गया 4, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने एरो लगा दिया, ठीक है। आप एरो लगा कर रखिए क्योंकि अभी हमारी नई अभी हमने नई नई चीज सीखी है, तो अभी से ही ढंग से आना चाहिए आपको। 4 पहले 2 बीच में, 4 ऊपर, 25 नीचे, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ऐसे लिखना। इसके आगे आप आंसर भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है दोनों में, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है ऐसे। अब हम देखते हैं कि अगर ये तो हो गया कि हमने किस में कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसमें इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत आसान है। 3 3/5 दिया हुआ है, देखो नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, तो कैसे करेंगे, 5 3 3 और डिनोमिनेटर में जो यहां पर है वो यहां पर भी आएगा 5। तो 5 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास याद है, बोर्ड मास, तो इसमें पहले आपको मल्टीप्लाई दिया या ऐड दिया, पहले मल्टीप्लाई दिया, तो 5 3 15 15 3 16 7। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 3 15 लिख लिया, फिर प्लस 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, आपको ऐसे एरो लगाते जाना है हर स्टेप पे। फिर 15 में ये 3 ऐड किया तो 18 और नीचे 5। आप कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं डिनोमिनेटर लिखते लिखते भूल जाते हैं, तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो गलत हो जाएगी अगर आप डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे। जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है वही सबके नीचे आएगा। देखो चाहे आप इम्प्रॉपर से मिक्स से इम्प्रॉपर में करो या इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होते। देखो इसमें 25 था, इसमें भी 25, इसमें 7 था, इसमें भी 7, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है एक और क्वेश्चन पेन मिल गया। अब देखो ऐसे करते हैं, ठीक है ठीक है। आप देखते हैं इसको, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूँ 4 1/5 ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नीचे लगाना है मल्टीप्लाई, ऊपर लगाना है प्लस। नीचे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, ऊपर लगाना है प्लस, यानी इसको और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ करेंगे प्लस, ठीक है। तो आप अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हम क्या करेंगे, पूरा इसको लिखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, यहां पर 5 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 5, ठीक है। 5 4 20 20 प्लस 1, अगर आपको ऐसे लिखना है 5 4 20 फिर प्लस 1 अपॉन में 5, अपॉन कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21 अपॉन 5, ये हमारा आंसर है। तो इसके आगे मैं आपको आंसर लिख देती हूँ, ठीक है बेटे। करना इस तरीके से, आप क्या करिए कि एक पोर्शन वीडियो का देखिए, फिर उसको पॉज करिए, अपना क्वेश्चन करके देखिए, फिर उसको प्ले करिए, ठीक है। ऐसे करना है, ये नहीं एक बार में वीडियो देख ली हमें आ रहा नहीं है, हमें आ रहा नहीं है, क्या करें, नई चीजें सीखने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये और ये जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे कॉपी में, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर देने हैं कॉपी में, एक भी नहीं छोड़ना, जे के जे बिल्कुल नंबर वाइज आपके चेक होंगे, सारे जे के जे क्वेश्चन आपके इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो ये वाली वीडियो है बेटा वो यहीं पर फिनिश होती है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी 8.6 नेक्स्ट वीडियो में।